छात्रों, आज आप हम सबको हम पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स और सब्सिडियरी के जो सिलेबस के अनुसार हम वैदिक एज आपको बतला रहे थे, उस वैदिक एज में हमने कई प्रश्नों को आपके सामने दो क्लास पहले रखा था, जिसमें वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित भारत, ये प्रतिबिंबित भारत में हमने 5-6 इस तरह के चार्ट बनाए थे कि वैदिक साहित्य वेद क्या है, वेद के रचयिता कौन है, वेद का रचना काल क्या है, वेद भारत को जो हम भौगोलिक रूप से जानते हैं वैदिक साहित्य में कैसे जानते हैं, आर्य कौन है, इन सब विषयों पर हमने आपसे चर्चा की थी। और हम वेद के रचयिता पर बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। वेद के रचयिता के पूर्व हम वैदिक साहित्य के उस उपनिषद के भाग को हमने बतलाया था आपको कि उपनिषद से हमारा तात्पर्य है कि अद्वैतवाद का निरूपण करना और वैदिक कर्मकांडों के विरुद्ध दार्शनिक पक्ष को सामने लाना। तो उपनिषद ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म और आत्मन के संदर्भ में दार्शनिक विचार प्रस्तुत करता है और वैदिक कर्मकांडों के विरुद्ध उसकी प्रतिक्रिया रही है। इस संदर्भ में हमने याज्ञवल्क्य का नाम लिया था, आरुणि का नाम लिया था, श्वेत केतु का नाम लिया था। यह भी बतलाया था कि वैदिक साहित्य के जो स्रोत हैं, उसमें जो सूत्र साहित्य है वह 600 ईसा पूर्व के बाद का है, तो कुछ इतिहासकार उसे वैदिक स्रोत में लाते हैं और कुछ उसे वैद प्रवर्ती काल का मानते हैं। उसी प्रकार हमने कहा था कि जो वेदांत है वह वेदांग जो है शिक्षा कल्प ज्योतिष निरुक्त ये सब व्याकरण वगैरह यह सब भी 600 ईसा पूर्व के बाद का है, प्रवर्ती काल का है, तो इसको भी हम साहित्यिक स्रोत में मानते हैं, वेद के साहित्यिक स्रोत में मानते हैं और प्रवर्ती काल का भी मानते हैं। आज हम फिर उस आर्य के बारे में कि आर्य कौन थे जिस पर हमने पूरी चर्चा की थी, लेकिन उसके साथ साथ हम इसके वेद के रचयिता कौन है इसमें हम आपको फिर से उस तथ्य को दोहरा भी रहे हैं और उससे आगे भी ले जा रहे हैं, उसमें निरंतरता भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वैदिक साहित्य की रचयिता कौन थे, हमने कहा था कि वैदिक साहित्य के रचयिता आर्य थे और आर्य कहां से आए, कैसे आए, इस पर सभी का जो मत है, चाहे संपूर्णानंद का हो, चाहे हॉकिंस का हो, चाहे आपको बाल गंगाधर तिलक का हो, चाहे भंडारी का हो, जिसका भी मत है उसकी हमने चर्चा की थी। यहां पर हम ये बतलाना चाहेंगे कि नाना प्रकार के विद्वानों ने जातिगत आधार पर वेद की चर्चा की, आर्य की चर्चा की कि वेद के रचयिता आर्य थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये आर्य कौन थे इसकी हम चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। अब आर्य नाम की जो जाति थी उसका जो भौतिक संरचना है, हमने संरचना के बारे में भी पिछले 3 क्लास पहले बतलाया था कि मेडिटेरियन है, मंगोलियन है, आल्पाइन है, आपको प्रोटोस्फ्राइड है, तो ये सब रेस जरूर रहे, लेकिन यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो भूमध्य सागरीय थे या मध्य एशिया के थे, ये रेस रही थी। तो उनके जो फिजिकल भौतिकवादी संरचना थी उसके आधार पर किसी जाति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। सच है कि दुनिया में कोई ऐसी शुद्ध जाति नहीं है जो
जिसका हम शोध से भी अन्वेषण से भी यह पता लगाएं कि वह शुद्ध जाति यह जाति है या अमुक जाति है या अमुक जाति है। तो ये प्राचीन विद्या के आरंभिक चरणों में आर्य शब्द का प्रयोग जाति के रूप में हुआ है, लेकिन जाति का शुद्ध से निर्धारण उसके भौतिक संरचना के आधार पर किया जा सके ऐसा कॉमन है अन्वेषण नहीं हुआ और यह भ्रांतियां बनी रही। और यह भ्रांतियां कोई गंभीर भ्रांतियां नहीं है, क्योंकि नदी नारी ऋषि ये सब का जाति का उद्गम और कैसे हुआ इसकी कल्पना और इसका बारे में जो चर्चा है वो आप गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि कोई शुद्ध जाति नहीं है। उसी तरह से उस निरंतरता में हम आपको आर्य के बारे में बतलाना चाह रहे हैं कि भाषागत आधार पर भाषा विज्ञान के अन्वेषकों ने शोधकर्ताओं ने भाषागत आधार पर यह तय करना चाहा कि जो भारतीय भाषा बोलते हैं जो सामी भाषा बोलते हैं ये सब आर्य प्रजाति के या जाति के समूह है। या सापेक्षिक रूप से यह अवश्य कहा जा सकता है कि उनकी भौतिक संरचना से के तुलना में उनके भाषाई रूप से अधिक प्रमाणिक उनके लक्षण या उनके क्षेत्र के जिस क्षेत्र में वो निवास करते हैं वह निश्चित रूप से ज्यादा यथेष्ट है, ज्यादा यथेष्ट सामग्री प्रस्तुत करता है। वस्तुतः भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आने पर हो सकता है कि उनकी भाषा में समानता हो और वह एक ही तरह के जाति के हो, लेकिन यह हम रिलेटिवली यूज कर सकते हैं, सापेक्षिक रूप से यूज कर सकते हैं। सच तो यह है कि कोई भी भाषा चाहे वह भारतीय हो या सामी हो वह उसका उद्भव कैसे हुआ, हम भारतीय भाषा को मुख्य भाषा या उसके उद्भव के बारे में मान लेते हैं, ये भारतीय भाषा भी किस भाषा की ऋणी रही है, अन्य भाषाओं की ऋणी रही है, या कोई विस्मयकारी तथ्य नहीं है। विस्मयकारी जिसका जो अन्य भाषाओं का जन्मदाता भारतीय भाषा है वह भी कई भाषाओं से का किरिनी रही होगी, क्योंकि हम जब देखते हैं कि भारतीय भाषा में इस क्षेत्र में इस भौगोलिक क्षेत्र में भारत के उत्तर भारत के सप्त संदर्भ के जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसमें भारतीय भाषा की एक भाषा द्रविड़ संस्कृत थी और वह संस्कृत भाषा पर भी द्रविड़ भाषा का प्रभाव था। तो जो भाषा अपने आप में मूल भाषा मानी जाती है अब कोई आश्चर्यजनक तथ्य यह भी नहीं है कि यह मूल भाषा का जन्म कहां से हुआ हो, यह भी प्रश्न चिन्ह है। तो यह भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि उसी तरह से जैसे जाति की शुद्धता को हम निर्धारित नहीं कर सकते सभी तरह के प्रमाणों से, सभी तरह के पैरामीटर्स से, सभी तरह के शोधों से, सभी तरह इतिहासकार के मतों से, उसी प्रकार हम भाषा के उद्भव का निर्धारण सार्वजनिक तौर उसको कॉमन वे में कहिए कि वो सर्व मत अगर सभी लोगों का मत एक ही होता ऐसा निर्धारण संभव नहीं है, क्योंकि भाषा भी अन्य भाषाओं की ऋणी रही होगी और भारतीय भाषा हाँ यह कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र के लोगों में निकटता रही होगी और वह वैसे लोग किसी एक प्रजाति के हो सकते हैं। अब भाषा विज्ञान के अन्वेषण से यह स्पष्ट होता है कि दक्षिणी रूस या यूराल पर्वत के दक्षिण जो हरियाली घास का मैदान है स्टेप्स मैदान जो है वो वहां से ये सभी आर्य आए और वो जो आए यूराल के इधर से मध्य एशिया से या दक्षिणी रूस से या यूराल पर्वत के दक्षिण से उनकी भाषा उनका रहन सहन उनके जो पारंपरिक
व्यक्तित्व है, सामूहिक व्यक्तित्व है, यह एक ऐसा रहा हो। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि विशिष्ट जातियां कई सामूहिक वर्गों में यहां प्रवेश करती हैं, और आप उसमें देख भी सकते हैं कि बलि का जो है मत, जिस पर वमीला थापर ने अपनी किताब में उस भाषा विज्ञान से संबंधित आर्यों के मूल निवास के बारे में डिस्कशन किया है, उस किताब का नाम भी है कि पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेलुहा, ए पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेलुहा दिलमूल एंड मकन। उसमें वमीला थापर स्पष्ट करते हैं कि यह स्टेप के मैदानों से आते हैं, और पुरातात्विक साक्ष्यों में भी इस क्षेत्र में एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों की ओर या बहिर्गामी प्रवसन की प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है कि कई तरह के लोग आ रहे हैं और भारत की तरफ आ रहे हैं, और वो एक भाषा में गुथ रहे हैं, भारतीय भाषा में गुथ रहे हैं, और ये एक ही तरह के जैसे भेड़िया है, घोड़ा है, भालू है, या भोज वृक्ष है, या बीज है जिसको कंटक कहते हैं, ये सब एक तरह की बोली बोलते हैं, तो ऐसा माना जाता है। और अंत में या हम कह सकते हैं कि ये वैदिक साहित्य के रचयिता जो थे, वो हो सकता है ऐसा भी, चूंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर यह पढ़े हैं कि आर्यों के आक्रमण से इनका पतन हुआ, तो ये सभी आर्य थे। लेकिन आर्य कौन थे, आर्य की प्रजाति क्या थी, चाहे वो भाषागत आधार हो या उनके भौतिक संरचना का आधार हो या विभिन्न इतिहासकारों का मत हो, इसमें कोई एक रूपता दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन ये आर्य थे, और आर्य का मतलब श्रेष्ठ भी है। हमने बताया था कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ये सब के लोग तो मध्य एशिया और यूरोप के ही लोग माइग्रेट करके ये जो बहिर्गमन प्रक्रिया है वो यहाँ आए, और उनका जो साक्ष्य मिलता है वह 1500 ईसा पूर्व के आसपास का साक्ष्य मिलता है। और हम यह मान सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता का पतन भी हुआ और आर्यों का आगमन हुआ, या इस के जरिए हम आपको इतना बतलाए। अब नेक्स्ट है कि इनका रचना काल क्या है। वैदिक साहित्य का रचना काल क्या है। अब वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित भारत में वैदिक साहित्य क्या है, इसके रचयिता कौन है, अब इसका रचना काल क्या है। यहां भी हम देखते हैं कि रचना काल के संदर्भ में भी विभिन्न विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन मत है कि ये इनका जो रचना काल है उसमें एक काल है पूर्व वैदिक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यह सर्वमान्य मत है कि इनका काल जो है वह दोनों का अलग अलग है, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल ऋग संहिताओं पर आधारित और यह अन्य संहिताओं पर आधारित है। अब आपको हम बता दें कि इसमें एकता है कि ऋग संहिता का जब रचना हुई, ऋग्वेद की जब रचना हुई, तो वह पूर्व वैदिक काल है, और अन्य संहिता यानी वेद चार है, तो तीन अन्य वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, उसके ब्राह्मण, उसके अरण्यक, उसके उपनिषद, इन सब की जो रचना हुई, सूत्र साहित्य वगैरह की, वह उत्तर वैदिक काल
का है, इसमें एक मन। लेकिन इसमें भी कहीं कहीं इस तरह के प्रश्न आते हैं कि ऋग्वेद में जो पहला और दसवां मंडल है वह क्षेपक है, उसको बाद में जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, कृषि संबंधी विवरण जो आठवें सूत्र में है और आठवें मंत्र में 57वां जो मंत्र है उसका, आठवें सूक्त का 57वां मंत्र जो है चौथे मंडल का कृषि संबंधी कार्यों का जिसमें विवरण मिलता है वह भी क्षेपक है। और ऐसा भी मत है कि वह जो सामवेद का पंचविश ब्राह्मण है या जैमिनीय ब्राह्मण है वह भी ऋग्वैदिक काल का है। यह भी मत है कि सबसे पहले कृष्ण यजुर्वेद की रचना हुई, फिर तैतरीय, फिर ऐतरीय और फिर अंत में कौस्तिक की। तो हम यह कॉमन बात अगर इस पर थोड़ा सूक्ष्म विवरण करें तो वैदिक काल की रचनाओं के आधार पर ऋग वैदिक संहिताओं की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई है और उत्तर वैदिक काल में अन्य तीन वेदों, उसके ब्राह्मण, उसके अरण्यक, उसके उपनिषद, उसके सूत्र साहित्य, उसके वेदांग आदि की रचना हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां भी कंट्रोवर्सी है, यहां भी विवाद है कि हाँ ऋग्वेद की पहला दसवां मंडल क्षेपक है, चतुर्थ मंडल में, चौथे मंडल में जो 57वां सूक्त है उसमें उस कृषि संबंधी विवरण है वह भी क्षेपक है। कृष्ण यजुर्वेद सबसे पहले लिखा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद प्राचीनतम है। तो इस तरह के मत इसमें मिलते हैं। उसी प्रकार से उपनिषद, जब उत्तर वैदिक काल की बात आती है तो उपनिषदों को भी हम किसी एक कालखंड में नहीं रख सकते। और उसका कारण है कि उपनिषद के बहुत सारे जो स्रोत हैं जिसकी रचना हुई है वह ब्राह्मण और अरण्यक के समकालीन भी है, लेकिन कुछ पूर्व के बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के बहुत पूर्व की नहीं है, और कुछ तो उपनिषद महात्मा बुद्ध के बाद की है। तो इसमें वैदिक साहित्य का जो रचना काल है इस पर भी बड़ा ही इस तरह का प्रश्न उठता है। एक प्रश्न इसमें और है कि अथर्ववेद जो सबसे प्रवर्ती काल का माना जाता है, सबसे अंत में जिसकी रचना हुई है, उसका जो कबायली जीवन का प्रमाण है, उसके जो कबायली जीवन है वो उसका जो प्रमाण है वह ऋग्वेद के कबायली जीवन से मिलता है और हम अथर्ववेद को सबसे पूर्ववर्ती मान लेते हैं, सबसे परवर्ती मान लेते हैं, सबसे बाद की रचना मान लेते हैं, और उसमें जो प्रमाण है वह ऋग्वेद का के कबायली जीवन के प्रमाण से मिलता है। तो कहीं कहीं संशय है और किसका रचना काल क्या है इसमें भी हम बहुत अस्पष्टता नहीं पाते हैं। लेकिन कॉमनली यह मान लेते हैं कि अधिकांश वैदिक साहित्य के उत्तरखंड में यानी प्रवर्ती काल में, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद या तीन वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई है, जबकि पूर्व वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना की गई है। या हम आपको यह भी बतलाना चाहेंगे कि यह जो रचना का काल है यह 1500 से, यह जो रचना का काल है, इसके रचना का काल है तो इसका काल हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक मानते हैं और इसका रचना काल हम 1000 से 500 बीसी तक मानते हैं, 500 बीसी तक मानते हैं। यानी इसको हम कह दें 1500 से 1000 बीसी और इसको कह दें 1000 बीसी से 500 बीसी, इसका रचना काल हम मानते हैं।
एक और चीज है, एक बहुत महत्वपूर्ण और पुरातात्विक साक्ष्य है कि ऋग्वेद में यानी पूर्व वैदिक काल में लोहे का प्रयोग या उस शब्द का साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपको एटा के उत्तर प्रदेश जो अभी वर्तमान है उसके अतरंजी खेड़ा में, एटा के अतरंजी खेड़ा में 1050 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का हमको एक्सकावेशन में खुदाई में प्रमाण मिलता है। तो यह पुरातात्विक साक्ष्य उस साहित्यिक साक्ष्य को पुष्ट करता है कि पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और के का रचना काल और उत्तर वैदिक काल के का रचना काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास रहा है। अब आपको कोई इसमें संशय नहीं होगा और जब भी इसके रचना काल के बारे में, इसके रचयिता के बारे में, उस विपुल साहित्य के वैदिक साहित्य क्या है इसके बारे में जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हम समझते हैं कि आप काफी अस्पष्ट रहेंगे। हम एक और इसमें जो हम एलिमेंट्स हैं उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं आप लोगों से। ये चर्चा करना चाहते हैं कि वैदिक साहित्य की भौगोलिक पृष्ठभूमि, वैदिक साहित्य की भौगोलिक पृष्ठभूमि, हम वैदिक साहित्य में जिसको भारत कहते हैं उस शब्द का हम कैसे इसको भारत के स्वरूप में, भारत का वह क्षेत्र कौन सा था, वह भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था जो वैदिक साहित्य में भारत कहलाता था। तो वैदिक साहित्य की भौगोलिक पृष्ठभूमि में हम आपको ले जाना चाहते हैं और इसमें हम स्पष्ट करना चाहते हैं आपको कि दो संहिता कालों से या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से हमको इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो पूर्व वैदिक काल में जो हमको उत्तर मिलता है, पूर्व वैदिक कालीन साहित्य की संहिताओं में अस्पष्ट है कि हम ये सभी सप्त संदर्भ से भारत प्रतिबिंबित है। सप्त संदर्भ से भारत प्रतिबिंबित है। सप्त संदर्भ का उसको आप जानते हैं कि सात नदियों इस पर भी विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नदियों की पहचान और उसमें जो तथ्यात्मक विवाद है उस पर जोड़ अवश्य दिया है, लेकिन पंजाब की 5 नदियां और सिंधु नदियां यह तो अस्पष्ट है। पंजाब अभी भी पंजाब की 5 नदियां सतलज है, आपको रावी है, व्यास है, ये सब जो नदियां हैं जो कुछ पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान का पोर्शन है उसमें भी बहती है और पूर्वी पंजाब जो भारत का के भूभाग के अंतर्गत है उसमें भी बहती है। तो ये सतलज व्यास वगैरह जो है, रावी वगैरह, चेनाब वगैरह जो नदियां हैं, ये पंजाब की 5 नदियां और सिंधु नदी का पूर्व वैदिक काल में इतना उल्लेख है और उसके कलकल निर्मल धाराओं का कि वह लगता है कि आज भी हमारे मस्तिष्क पर कलकलाता सिंधु, निर्मल सिंधु अपने राह में, अपने धार में, अपने करंट में वह अग्रसर है। और पंजाब की 5 नदियां तो हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा कुभा नदी है जिसको हम अफगानिस्तान की नदी कहते हैं, काबुल की नदी कहते हैं, सुस्वातु
ये काबुल में है, काबुल में अफगानिस्तान में है। सो स्वातु जिसे हम स्वात नदी कहते हैं, स्वात ये सब नदी है, स्वात नदी कहते हैं। क्रमु जिसे हम कोलम नदी कहते हैं। कोमल गोमल जिसे हम गोमती नदी कहते हैं। ये सब का जिक्र है। इसके अलावा इससे पूर्व वैदिक सभ्यता के लोग, आर्य लोग परिचित थे सब संदर्भ से, कुवा से, स्वातु नदी से, क्रमु नदी से, गोमल से, ये परिचित थे। और बार बार साहित्य में इसका विश्लेषण आता है। और साहित्य में इसके सिवा राजस्थान में बहने वाली नदी सरस्वती का, सरस्वती सरस्वती नदी का भी बड़ा महात्म है, सरस्वती नदी का भी बहुत बड़ा महात्म है। यहाँ आप आगे पढ़िएगा कि जो विदेह के जनक और याज्ञवल्क्य के समय में विदेह माधव यही निवास करते थे और वो उनके समकालीन महान ऋषि मुनि थे। शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा भी है। तो सरस्वती नदी का महात्म, उसकी महत्ता बहुत अधिक थी। एक और नदी है जिसकी भी चर्चा बार बार ऋग्वेदिक संहिताओं में आती है, दृश्य द्वती। सरस्वती और दृश्य द्वती, द्वती में कहीं कहीं दीर्घिकार लगता है, तो दृश्य द्वती, तो इसकी चर्चा आती है। गंगा और यमुना जो बाद में प्रसिद्ध नदी हुई, इसका बहुत कम उल्लेख है। तो इससे स्पष्ट है कि पूर्व वैदिक काल में भारत जहां प्रतिबिंबित था, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र था, वह सप्त सिंधव, कुभा, काबुल, कुर्रम, स्वात वगैरह नदियों के साथ साथ राजस्थान की दो नदियां जो अब मरुस्थल में समाप्त हो गई, सरस्वती और दृश्यवती, या ये और सब पंजाब की पांचों नदियां, उसी भौगोलिक क्षेत्र को हम भारत मानते थे, उसी भौगोलिक क्षेत्र को हम भारत मानते थे। हम समझते हैं कि आप निश्चित क्लियर स्पष्ट हो गए होंगे कि हम भारत को जो भौगोलिक सीमा थी, पृष्ठभूमि थी, जो भारत से प्रतिबिंबित थी, वो सबसे प्रसिद्ध प्रदेश दृश्यवती, सरस्वती, कुभा, आप गोमल, स्वातु, कर्मु, इस सब नदियों का क्षेत्र निश्चित रूप से भारत में आता था। वहीं दूसरी ओर उत्तर वैदिक काल में भारत पूर्व की दिशा में आर्य सभी आगे बढ़े। उत्तर वैदिक काल में पूर्व की दिशा में आर्य सब अपना प्रसार में आगे बढ़े और शतपथ ब्राह्मण में एक बड़ा ही उल्लेख, इस तरह से साहित्यिक उल्लेख है और उसका उसमें लगता है कि कहीं न कहीं सच्चाई है। शतपथ ब्राह्मण में यही विदेह माथव नाम के एक ऋषि थे जो विदेह के राजा जनक और मुनि जो याज्ञवल्क्य थे उनके समकालीन थे और ये अग्नि के बहुत बड़े पुजारी थे और अग्नि की भी चर्चा हमको वेद में मिलती है। और ये विदेह माधव ने वैश्वानर वैश्वानर विश्व को जला देने वाले अग्नि की प्रार्थना की और उसको अपने मुंह में धारण कर लिया। मुंह में असतपथ ब्राह्मण में बड़ा ही रोचक आख्यान है कि वैश्वानर अग्नि को विदेह माधव ने अपने मुंह में धारण कर लिया और घृत 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 और उन्होंने घृत शब्द का जब उच्चारण किया तो वह आग
उनके मुंह से, वह अग्नि उनके मुंह से निकली और वह सभी नदियों को पूरब की तरफ जलाती हुई चली गई। और उसके पीछे पीछे ये विदेह माधव ही सरस्वती नदी के पास निवास करते थे, यही विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण, गौतम राहुगण उनके पुरोहित थे विदेह माधव के, ये पुरोहित थे गौतम राहुगण। जब वह आग जलाते जलाते पूर्व की ओर बढ़ती चली गई, कई नदियों का पानी जला दी, समतल कर दी और आगे बढ़ती चली गई, तो पीछे पीछे विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण चलते आए। और जब अकस्मात सदा नीरा नदी का जिसकी चर्चा उत्तर वैदिक काल में है, जिसे अभी हम गंडक नदी के नाम से जानते हैं, गंडक सदा नीरा जिसे हम गंडक नदी के नाम से जानते हैं, इस नदी के पूर्व तट पश्चिमी तट पर वह इस सदा नीरा नदी को नहीं जला पाई, उसको दग्ध नहीं कर पाई। सचमुच में ये लोग भी वहीं रुक गए और सभी लोग जानते हैं कि विदेह कौशल ये सब जो प्रसिद्ध राज्य थे, उसके ब्राह्मण उसके सभी आर्य लोग उस नदी के पश्चिम मतलब हिमालय की तरफ ये सब संगम से सदा नीरा के पश्चिमी तट तक ही सभी लोग निवास करते थे। ऐसा माना जाता है कि उसके पूर्व नदी के इस पार निवास करने वाले लोग बलिक्ष होंगे, निम्न जाति के होंगे, निम्न संस्कार के होंगे, लेकिन फिर उस महत्वपूर्ण तब विदेह माधव ने अग्नि से पूछा कि मैं कहां निवास करूं, तो उन्होंने कहा इस नदी के इस ओर, मतलब आप उस पार नहीं जा सकते हैं उस समय। लेकिन फिर बारह ब्राह्मणों को हम देखते हैं कि काशी को मगध ये सब में भी उनका फैलाव होता है और जो पांचाल है कौशल है ये सब नए नए क्या राज्य उभर कर सामने आते हैं। और वो सभी उत्तर वैदिक काल में गंगा जमुना की चर्चा बार बार होती है, बार बार उन नदियों की चर्चा है, बार बार वहां के रहने वाले कुछ मगध के हों, कौशल के हों, वत्स के हों, काशी के हों, इसकी चर्चा पांचाल की बहुत लोकप्रिय हुआ था उस समय उत्तर वैदिक काल में, उसकी चर्चा होती है। एक चीज और बतलाना चाहते हैं कि यहां तक जब मगध तक विस्तार हुआ, मगध तक की चर्चा जब हुई, तो दक्षिण में कुछ जातियां थी जो विंध्य पर्वत के उस पार थी, विंध्य पर्वत के उस पार। उन जातियों में आंध्र शबर पुलिंद इन जातियों का निवास था दक्षिण में इन जातियों का निवास था। ये वैदिक साहित्य और उसके भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले आर्यों से निश्चित रूप से अछूते थे, लेकिन कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि विंध्य पर्वतमाला के इधर की सीमा जो थी, यानी उत्तरी भारत, आज का जो उत्तरी भारत है, उत्तरी पूर्वी भारत मान लीजिए उसको, वह उसकी सीमा तक भारत वैदिक साहित्य के भौगोलिक क्षेत्र में संबोधित होता था। भारत से क्या हम समझ रहे हैं, हम उत्तर वैदिक काल में सब सांधव प्रदेश से अंग प्रदेश और दक्षिण सीमा में वो विंध्य पर्वत के इस पार, विंध्य पर्वत के दक्षिण में ही विंध्य पर्वत से पश्चिम और उत्तर निश्चित रूप से भारत परिभाषित था, भारत राष्ट्र के रूप में अपने साम्राज्यवाद का अंग के समय में मगध के समय में विकास कर रहा था। हम
लास्ट उसका जो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि वैदिक साहित्य का पुरातात्विक साक्ष्य, तो हम समझते हैं कि इसके पहले हमने आपको यहाँ तक स्पष्ट चित्रण दिया है, इसको आप बार बार दिए जा श्रीमाली की किताब में, के.एम. सिरमाली की किताब में, नियन झा की किताब में, राधा कृष्ण चौधरी की किताब में आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।